कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। गॉसिप टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 17 के घर में ना अब तो कुछ बड़ा मजा आने लगा है, क्योंकि अब घर के अंदर फाइनली बिग बॉस इम्यूनिटी टास्क करवा रहे हैं और इस टास्क में ना बहुत बड़ा हंगामा मच गया है घर के अंदर। जी हाँ, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, हाथापाई हो गई है, यहाँ तक कि ईशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक को ना धक्का तक मार दिया है। और अभिषेक भी अब ना बार बार ये बोलते नजर आ रहे हैं कि ईशा तेरा असली चेहरा मैं सबके सामने ले आया हूं, अब तेरा सच जो है वो सच नहीं रहा, अब तेरा झूठ जो है वो भी सामने आ चुका है। इस तरह की वो बातें बोल रहे हैं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि बड़ा पोक कर रही थी तू मुझे, अब करना, अब बोलना। तो वही ईशा कहती है बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत कर, और वो अपना आपा खो बैठती है और वो अभिषेक को ना जोरदार धक्का दे देती है। और जैसे ही वो धक्का लगाती है वैसे ही ना दौड़े दौड़े आ जाते हैं ईशा के करंट बॉयफ्रेंड यानी कि समर्थ जुरेल। और फिर समर्थ आकर ना बड़ा तैश में यू नो ईशा और अभिषेक की लड़ाई खत्म करवाने के लिए शुरू हो जाते हैं जद्दोजहद करना। लेकिन ना अचानक से उन्हें भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ना अभिषेक के साथ यू नो धक्का मुक्की कर देते हैं। जी हाँ, हालांकि वो बाद में ये कहते हैं कि भाई मैंने तो बस इसे पकड़ा है, लेकिन ना कहीं जो समर्थ है उससे ना धक्का तो अभिषेक को लगता ही है। लेकिन अभिषेक यू नो उस दौरान इतना ज्यादा गुस्से में होते हैं कि उन्हें समर्थ का धक्का देने का एहसास ही नहीं हो पाता और वो सिर्फ ईशा पर ही भड़के जा रहे होते हैं, ईशा पर ही गुस्सा निकाल रहे होते हैं। पर अगर वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे, तो जो समर्थ है ना वो जब ईशा और अभिषेक को अलग करवा रहे होते हैं तो उसी दौरान वो अभिषेक को ना जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं टाइटली, और उसी जकड़न में ना कहीं वो यू नो उसे आगे की तरफ पुश कर देते हैं। और ये चीज जो है वो अब फैंस को ना पसंद नहीं आ रही और फैंस कह रहे हैं कि समर्थ जो है वो मौके का फायदा उठाकर ना अपने हाथ सेक रहे हैं आग से। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइए कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।